दोस्तों हम लोग के फ़ोन में अभी अच्छी तरह से यहाँ पे एंड्रॉयड 12 को भी रोल आउट नहीं किया गया है। बस दोस्तों यहाँ पे XDA की वेबसाइट है जहाँ पे दोस्तों हमें एंड्रॉयड 13 के कुछ लीक्स वगैरह निकल के सामने आ रही है, जहाँ पे दोस्तों मेंशन किया गया जो एंड्रॉयड 13 का कोड नेम है वो दोस्तों तीरे मासू कुछ नाम करके है। अगर जिसका मीनिंग बताओ तो दोस्तों ये किसी डिश का नाम है। एंड दोस्तों वहाँ पे बहुत सी बातें, बहुत से फीचर्स वगैरह भी मेंशन किया गया है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्या कुछ फीचर्स वगैरह हमें फ्यूचर में और उस एंड्रॉयड 13 वगैरह में देखने को मिलने वाली है एंड कब तक के लॉन्च वगैरह कर सकते हैं हमारे स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 13 वगैरह देखने को मिलने वाली है, सब कुछ बारे में करने वाला हूँ इस एंड्रॉयड 13 के बारे में। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो दोस्तों आप वीडियो में इन तक बने रहना। तो चले करते हैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करो कि फीचर्स वगैरह के क्या कुछ हमें फीचरिस्टिक फीचर्स वगैरह एंड्रॉयड 13 में देखने को मिल सकती है, तो अगर लीक्स की माने तो दोस्तों यहाँ पे जो एक फीचर्स मेंशन किया गया है दोस्तों, अभी तो आप लोग अगर अपने फ़ोन की लैंग्वेज को चेंज करते हो देन आपका फ़ोन का टोटली लैंग्वेज चेंज हो जाता है। मतलब हर जगह अगर आप हिंदी चेंज करते हो तो वहाँ पे दोस्तों आपके फ़ोन में हर जगह आपको हिंदी में ही देखने को मिलता है। बट दोस्तों एंड्रॉयड 13 में कुछ ऐसा फीचर है कि दोस्तों आप सेपरेटली अगर आप चाहते हो कि हर ऐप का अलग अलग लैंग्वेज हो तो वहाँ पे आपको दोस्तों हर ऐप का आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक अगर मानो दोस्तों आपको आपका गूगल का लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी रखना है देन अगर आप हिंदी करते हो तो सेपरेटली आपको ऐसा पावर दिया जाएगा कि आप दोस्तों बस आप अपने गूगल का लैंग्वेज हिंदी कर सकते हो आप एंड बाकी सब हिंदी मतलब जो भी रखना चाहते हो इंग्लिश रखना चाहते हो आप जो भी रख सकते हो वो कर सकते हो। तो इस फीचर के हेल्प से बेसिकली आप दोस्तों हर एक ऐप का अलग अलग लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों साथ ही जो एंड्रॉयड 13 का एक और फीचर्स को मेंशन किया गया है उस वेबसाइट पे कि दोस्तों आप अगर कोई सा भी ऐप को डाउनलोड करते हो एंड ऐप को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों बिना मतलब का वो ऐप हमेशा आपको नोटिफिकेशंस वगैरह भेजती रहती है, वो नोटिफिकेशन बार में नोटिफिकेशंस वगैरह भेजते रहते हैं। लाइक अगर आप जोमेटो को यहाँ पे इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे कि ये ऑर्डर कर लो वो ऑर्डर कर लो, मतलब इस तरह के अनवांटेड थिंग्स आपको भेजती रहती है नोटिफिकेशन बार में, डायरेक्टली मैसेज वगैरह करते रहती है। यहाँ पे हम लोग को कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं है कि दोस्तों हम लोग उसके नोटिफिकेशंस को ऑफ कर सके, डिसेबल कर दे। दोस्तों कहा जा रहा है कि एंड्रॉयड 13 में आपको एक ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा जैसे जहाँ से आप परमिशंस वगैरह में जाके आप डायरेक्टली से नोटिफिकेशन को डिसेबल्स कर सकते हो। अगर दोस्तों ये एंड्रॉयड 13 में जो ये अगर फीचर्स सही में देखने को मिलेगी तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। एंड दोस्तों साथ ही एक और लास्ट चीज़ जो मेंशन की गई थी एंड्रॉयड 13 फीचर्स के रिगार्डिंग वो ये था कि दोस्तों इस बार जो एंड्रॉयड 13 आने वाली है उसमें दोस्तों अलग सा आपको थीम्स, अलग सा आपको यूज़र इंटरफेस वगैरह देखने को मिलने वाली है। लाइक आपको दोस्तों यहाँ पे वॉच का जो टाइमिंग का वगैरह था वहाँ पे दोस्तों अलग सा थीम वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। एंड यही कुछ फीचर्स वगैरह हमें इस वेबसाइट पे देखने को मिला था। एंड अगर आई होप अगर फ्यूचर में मुझे कुछ और भी एंड्रॉयड 13 के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह मिलेगी तो मैं श्योरली से आपको वीडियो के थ्रू वीडियो बना के आपको मैं बता दूंगा। तो दोस्तों अगर रिलीज़ डेट की बात करूँगी कब तक यहाँ पे ये आ जाएगी तो शायद से अगर ये आने वाले भी है अभी तो वो आपको मई जून जुलाई के आसपास ये देखने को मिलेगी, फिलहाल तो अभी जनवरी फरवरी में आपको ये देखने को नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों यही था आज का कुछ वीडियो। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप लाइक कर देना एंड साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करना। तो दोस्तों आपके एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो दोस्तों तब तक के लिए इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट।